हेलो, नमस्ते। आपका स्वागत है SLCC क्लासेस में। आज हम एनजाइटी बुक की चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आइए पहले पार्ट सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लिया जाए। ये आपके सामने वीडियो विंडो में दिख रही होगी इमेज, मैं थोड़ा सा ऊपर करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपका ये है एंगल्स और ये है थीटास, जो मैंने पहले बताए थे फंक्शंस। इसकी वैल्यू आपको एनजाइटी बुक में मिल जाएगी और ये आपको कृपया याद करने लिए। ठीक है, ओके। आइए आप अपने क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो फिर हमारा क्वेश्चन रह जाएगा। आइए, ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि इसे सिंपलीफाई करना है कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन करने से पहले एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, दो फॉर्मूले बताता हूँ, रिलेटेड ही है, वो आपके आगे काम आएंगे। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई, अंदर थीटा है, थीटा थीटा के अंदर में जब भी साइन एक्स प्लस वाई हो तो उसका सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, तो साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स। देखिए, एक बार यहाँ पे एक्स है, इधर वाई है, यहाँ पे एक्स यहाँ वाई, एंगल चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। वैसे ही सिमिलरली कोस में ये फॉर्मूला लगता है, तो कोस माइनस साइन वाई इक्वल टू क्या होगा, कोस एक्स कोस वाई। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक मिनट, एक सेकंड, ये लीजिए, मैंने यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, एक्चुअली वो मेरे से रह गया। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे, ओके। अब आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, इसमें साइन एक्स प्लस वाई, देखिए यहाँ पे उसका सिंप्लीफाई क्या कर रहा है, एक्स को मान लीजिए 60 और y को मान लीजिए 30। तो देखिए, साइन एक्स 60x कोस y 60, कोस 30 कोस x। देखिए, कोस यहाँ पे कोस 60 है, मैं बोला था ना x को 60 मानिए। तो देखिए, बिल्कुल ये सिमिलर फॉर्मूला आपका ये वाला फॉर्मूला, देखिए जो ये वाला फॉर्मूला है इस पे बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, हो रहा है ना। तो अगर मैं इसको मैं x मानूं और इसको y मानूं, तो ये ऐसे सिंपलीफाई कर रखा है इसको, जब हम इसके इक्वल कर लिखेंगे, ये देखिए, जब हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इसके फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करा यहाँ पे, तो ये बन गया। अब देखिए, साइन 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस 30 होता कितना है आपको सबको पता है, कितना होता है 90। तो यहाँ पे हमने 90 लिख दिया, और साइन 90 की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे। ओहो सॉरी, ये चीज ये दिख रही है ना, साइन 90, देखिए ये 10 है और साइन ये रहा साइन 90। साइन 90 कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो हम वहीं पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन 90 इक्वल टू हमें पता चल गया कि 1, इसीलिए साइन 90 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब पार्ट सेकंड करते हैं। देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 30। इसका क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फिर से वही टेबल दिखाता हूँ, ये रही आपकी टेबल। देखिए, यहाँ पे ध्यान से साइन 30 की वैल्यू आप देखिए, पहले साइन 60 की वैल्यू देखिए, √2 √3/2, और कोस 30 की वैल्यू √3/2, देखिए सेम है ना, साइन 60 और कोस 30 सेम है। ये चीज आपने इस टेबल में देख ली, आपको याद रखना है कि ये वैल्यू यहाँ की सेम है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए हम अपने क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमने क्या देखा कि साइन
हमने क्या देखा कि जो आपका साइन है कोस 30 और साइन 60 इक्वल है, इसीलिए ये वाली आपकी वैल्यू कोस स्क्वायर 30 कट हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 से, बचा क्या वो हम यहाँ पे नीचे फाइन लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, ये आपका बच गया 2 tan² 45। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मैं वही आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आई मीन वही पे चार्ट। देखिए 10 45 की वैल्यू देखिए आप ध्यान से, ये रहा 10 45, ये रही 10 45, कितना होता है 1, ये याद कर लो आप, ये मैंने पहली वीडियो में क्या रखा है, ठीक है, ये आपको रिमेम्बर करना है। तो 10 45 की वैल्यू हमें क्या पता चल गई 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 45 की वैल्यू, 10 45 की वैल्यू है 2, ये 2 का एज इट इज, ये वाला 2 आपका एज इट इज यहाँ पे लिख दिया हमने। अब 10 45 की वैल्यू 1 है तो 1, ठीक है, और स्क्वायर स्क्वायर को हम ऐसे लिख, अभी लिख देते हैं, ये लीजिए यहाँ पे स्क्वायर 2, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि हम 1 को 1,00,000 बार गुना करें या 100 बार गुना करें, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 कितनी बार भी करें तो वो कितना आएगा 1 आएगा, इसीलिए 2 × 1 गुने को मैं यहां से दिखा दे रहा हूँ स्टार, नहीं तो रुक जाइए, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया 1 को लिख दिया 1। अब 2 × 1 सबको पता है कितना होता है 2, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू में 2 डाल देंगे, इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सो क्वेश्चन का आंसर इसी के साथ हमारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएससी सॉरी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएलसी क्लासेस।